लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रथम फेज के बहाली में हिस्सा लिया और उनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, कहने का मतलब है कि पूरक परिणाम की मांग को लेकर जिस तरह की चीज़ें हो रही है वो सब को लेकर आप सबको पता है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक, कल एक आंदोलन की शुरुआत उसको कह सकते हैं आप 25 तारीख के यानी 25 दिसंबर 2023 सभी को गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद होना है। इसलिए आपको हम सूचित कर दें कि जिसके मन में जो सवाल है कि क्या होगा, आगे नहीं होने वाला है, जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि जो चैप्टर है प्रथम फेज की बहाली में वो क्लोज हो गया है। तो क्लोज होने का मतलब, और एक बात आप ध्यान में दीजिए, क्लोज होने का मतलब ये नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल है, सिर्फ परीक्षा देने के अंतराल में और परीक्षा देने के बाद कई लोगों के बाद भी ये हो गया कि मेरा जो है कट ऑफ तो पार है या डेट ऑफ बर्थ के कारण हम छूट गए हैं। तो सबको पता है कि अभी भी 23,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं और सिर्फ पीआरटी में बात की जाए 1-5 में तो उसके पोस्ट जो है 12-13,000 से ज़्यादा खाली हैं। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि जो सीटों का खेल है, जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने जो सीटों को बचा कर और उसके बाद तीसरे फेज की बहाली में ले जाने की बात वो कर रहे हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि जो वेटिंग लिस्ट के प्रावधान है जिस पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, उन्हीं के शब्दों में जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि हम ड्रॉपआउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट जो लिया है जैसे किसी का रिजल्ट कई जगहों पर हुआ, ज्वाइन तो कहीं एक जगह करेगा तो 2-3 पोस्ट तो खाली हो गए, तो उनका रिजल्ट जो है हम इसमें समय फाइनल करेंगे, उसका रिजल्ट को ऐड करेंगे। और फर्जीवाड़े तरीके से हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है वो सभी को हम जो है सो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ऐड करेंगे, आदि आदि कई चीज़ें हो गई। तो अब तो बात से क्लियर हो गया कि वो अपनी बातों से मुकर गए। अब आपके मन में सवाल है कि क्या होगा। हम कई अभ्यर्थियों से लगातार मैसेज कॉल कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आगे ही बढ़ना है, प्रोटेस्ट जब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अंतिम एक प्रोटेस्ट की ज़रूरत है और ज़ोरदार आंदोलन की ज़रूरत अगर नहीं है आती, तो हम आज आपके सामने या आपको लेकर हम इस तरह की चीज़ से बिल्कुल नहीं बोलते। तो आपके मन में जो सवाल है उस सवाल का जवाब है कि एक ज़ोरदार आंदोलन की ज़रूरत को लेकर काफ़ी संख्या में छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वहाँ मौजूद होंगे और अपनी बातों को बुलंद करेंगे सरकार के समक्ष, विभाग के समक्ष जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से जाएगी प्रेस के माध्यम से। तो अब जो कोर्ट जाने की बात है तो सभी साथी से आग्रह है कि आप अगर घर से बैठे अपने डॉक्यूमेंट भेज दें ताकि हम उस कोर्ट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि सबको पता है कि कोर्ट में कितने पैसे लगते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। या हम कई बार आपको बताए हैं, साथी कई लोग हैं वो भेज भी रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि जितने लोग हैं 25 तारीख कल के बाद से है उसके प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल के दिन में सबको आना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि सेकेंड फेज का रिजल्ट निकल गया, जैसे कि सबको पता है कि सेकेंड फेज का रिजल्ट हर दिन, परसों से रिजल्ट की शुरुआत हुई है, परसों भी आया रिजल्ट, कल भी आया, आज भी आएगा, आगे भी आएगा, तो सब लोगों का रिजल्ट जो है 3-4 दिन के अंदर लगभग सब लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी सेकेंड फेज के बहाली में लग जाएगा, लेकिन जितने लोग प्रथम फेज की बहाली में डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे, खासकर डेट ऑफ बर्थ के कारण, क्योंकि उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है, अब आगे की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उनकी उनका एज बचा ही नहीं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन कोई बचा ही नहीं है कि क्या आगे किया जाए। तो आगे यही है कि आपको आना है, संख्या में आना है। और बिहार के विभिन्न जिलों से सभी छात्रों को हम आह्वान कर रहे हैं, अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो गौर से सुनिए, फिर वो मौका नहीं मिलेगा। हम ये आंदोलन अब अंतिम आंदोलन है, इसके बाद अगर आंदोलन का आग्रह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूर है कि हम 25 तारीख के दिन ये देखना चाहते हैं कि कितनी भीड़ की संख्या में आएगी। अगर आगे के आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए सभी साथियों से आग्रह है, मेरा आप तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो यही यूट्यूब है या कम्युनिटी पोस्ट है या प्रेस है, तो सबको पता है कि कल एक आंदोलन की शुरुआत होने रही है। आगे की चीज़ें क्या होगी नहीं होगी हम बैठक में तय करेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि जो लोग घर पर बैठ कर मेरी बातों को सुन रहे हैं प्लीज़ डॉक्यूमेंट अपना जो है वो भेज दे, सेंड कर दे, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TREM उनका स्कोर कार्ड, CTET, DLED या STET का जिनके पास जो सर्टिफिकेट है कोई एक, ये चारों डॉक्यूमेंट जो है आप मेरे नंबर पर भेजें और आगे की चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हमारी बिल्कुल जायज़ है, अभी भी शिक्षा विभाग और BPS की तरफ से जो पूरक परिणाम की सीट है
अभी भी वो बचा कर रखना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों पर हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। बस आप लोगों का एक अनुमान है कि आगे क्या होगा, क्या आगे सप्लीमेंट्री दल को लेकर बीपीएससी चेयरमैन सर क्या कह रहे थे, शिक्षा विभाग क्यों उन्हें लिस्ट भेज रही है, तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को हम लोग प्रेशर बनाएंगे शिक्षा विभाग पर कि शिक्षा विभाग से जो सूची है वो बीपीएससी को भेजी जाए, क्योंकि अभी भी 10,000 से ज़्यादा लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। और सब चीज़ों पर अगर बात किया जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। एक तरफ से बीपीएससी अगर कह रही है सेकेंड फेज की बहाली में भी काफ़ी परिणाम आए और काफ़ी लोगों के साथ जो समस्या हो रही है, तो वो समाधान के लिए कहाँ जाएंगे, बीपीएससी जाएंगे, जाहिर सी बात है जा भी रहे हैं लोग। तो अभी अनुमानता जो भी चीज़ें हैं उस पर एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। और जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम या ट्विटर सब पर लिखे 25 तारीख के दिन पटना चले, 25 तारीख के दिन हम लोग पटना आए और आप लोग अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। साथियों मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बातें आपको अगर संख्या में आप रहते हैं तो इस आंदोलन पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसलिए संख्या के सभी लोगों से आग्रह है कि अपने आंदोलन को तेज कीजिए और जो सप्लीमेंट्री दल की मांग को लेकर जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।